सब्सक्राइब कीजिए सवल पर यार MGT चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम सवल परेरा, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल MGT में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर असेंबलिंग और लैपटॉप के असेंबलिंग के बारे में। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कंप्यूटर असेंबलिंग होते हैं, पर दोस्तों क्या आपने ये सोचा है क्या हम लैपटॉप को असेंबल कर सकते हैं? क्या किसी के दोस्तों मन में थॉट आया है हम कंप्यूटर को घर पर असेंबल कर सकते हैं? बट दोस्तों हम जो लैपटॉप है उसको असेंबल क्यों नहीं कर सकते, क्या ही नहीं कर सकते चीज की दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी दोस्तों असेंबलिंग के लिए। तो दोस्तों मैं हूँ सोल करा, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल MGT में। चलिए दोस्तों आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप की कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट के बारे में दोस्तों जो उसका आउटर लुक रहता है, जिसके अंदर जो मशीन है और पार्ट्स आते हैं उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, जो कंप्यूटर के कैबिनेट रहते हैं दोस्तों वो सारी सेम रहती है। आप कोई सा दोस्तों कैबिनेट उठा लीजिए, चाहे वो 1000 का हो, चाहे वो 10000 का हो, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 300 का हो, सारी कैबिनेट दोस्तों आपको एक सी लगेंगी, तभी दोस्तों आप उसमें पार्ट्स वगैरह फिटिंग कर सकते हो। पर दोस्तों आपके जो लैपटॉप है उसमें दोस्तों आपको कोई सा कैबिनेट देखने वो मिलता ही नहीं है, ना कोई सी दोस्तों आपको कैबिनेट मिलती है जिसमें जो आप अपने सामान वगैरह को दो लगा सकते हैं। सबसे दोस्तों मेन और खास जिस चीज दोस्तों कैबिलिटी है, कैबिलिटी नहीं रहेगी तो हम अपने जो पार्ट्स वगैरह है उसको दोस्तों लगाएंगे किसमें, हवा में और किसमें, पहला पॉइंट तो ये है। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है, जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें दोस्तों सारी चीज़ें आ जाती हैं मदरबोर्ड के अंदर। जैसे दोस्तों जो 3000 का मदरबोर्ड है उसमें दोस्तों आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, और जो 6000 का मदरबोर्ड है उसमें भी आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। दोस्तों मिनिमम चार्ज उसमें होता है, पर दोस्तों जो लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, जो स्टार्टिंग के प्राइस के दोस्तों ये लैपटॉप रहते हैं उनमें दोस्तों ग्राफिक कार्ड लगा हुआ नहीं आता, और जो लास्ट के रेंज की दोस्तों ग्राफिक कार्ड लैपटॉप रहते हैं उसमें दोस्तों ग्राफिक कार्ड लगा हुआ आता है। इसलिए लगा जाती है उसके मदरबोर्ड रहता है वो अनसपोर्टेड रहता है, जिसमें ग्राफिक कार्ड को दोस्तों लगाने के लिए कोई जगह नहीं रहती। वैसे दोस्तों ये कंप्यूटर में बिल्कुल अलग है, आप दोस्तों पूरी तरीके से अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी पूरी रैम वगैरह को अपडेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं, पर दोस्तों लैपटॉप में आप इसको नहीं कर सकते। और इसके बाद दोस्तों मैं लैपटॉप के बारे में बताऊँ, तो लैपटॉप के साथ कोई साइज एग्जैक्टली और साइज का दोस्तों मदरबोर्ड नहीं आता। आपको दोस्तों देखा होगा कहीं जो डेल के लैपटॉप रहते हैं वो ज़्यादा बड़े रहते हैं, जो HP के रहते हैं वो थोड़े छोटे रहते हैं, एप्पल के थोड़े हल्के से बड़े रहते हैं, आसूस के रहते हैं। सबके दोस्तों लैपटॉप अलग अलग बड़े बड़े छोटे 16 इंच, जो 14 इंच, 12 इंच, सबके दोस्तों अलग अलग लैपटॉप अलग अलग स्क्रीन रहते हैं, जो दोस्तों मदरबोर्ड रहते वो भी दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे रहते हैं। दोस्तों जो इनकी रैम वगैरह है वो काफ़ी दोस्तों हर चीज़ में नहीं लगती है। जैसे दोस्तों जो मेरा PC है, मैं अपनी PC में 2 GB की रैम लगाऊंगा, वो 2 GB की रैम किसी भी PC में लग जाएगी, उनके उनका स्लॉट रहता है, जो रैम रहती है वो सारी दोस्तों फिक्स रहती है। पर दोस्तों लैपटॉप का ऐसा नहीं होता, लैपटॉप दोस्तों घर पर रिनोवेट नहीं कर पाते। सबसे पहले आपके पास कैबिनेट ही नहीं है, कहाँ पर दोस्तों आप अपने मदरबोर्ड और जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ पर रखोगे? पर दोस्तों ये ऐसे पार्ट्स हैं वो मिलना भी दोस्तों मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ आपको लगा उसकी आपको सारी चीज़ चाहिए पड़ेगी। जैसे दोस्तों आप इंटेल का मदरबोर्ड यूज़ करोगे, उसी तरीके से आपको इंटेल का उसके इंटेल का दोस्तों आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, उसकी मेमोरी चाहिए, सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसी चाहिए। और दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, जैसे आपके पास किसी का लैपटॉप है वो ख़राब हो गया है, आपने नए पार्ट्स ले गया है, उसको पुराने के साथ बेच दिया, ऐसा आप कर सकते हो। पर दोस्तों असेंबलिंग बिल्कुल नहीं किया है, ये तो पार्ट्स रिपेयरिंग कहलाएगा। असेंबलिंग माने जो होता, हम कोई सा घर का सारे पार्ट्स लेके आ गए, उसको दोस्तों घर पे हमने असेंबल किया। दोस्तों लैपटॉप ऐसी चीज़ है दोस्तों, लैपटॉप कभी असेंबल नहीं होता, पर दोस्तों कंप्यूटर है, कंप्यूटर असेंबल हो जाता है, आपने दोस्तों हर जगह देखा होगा। पर दोस्तों लैपटॉप इसीलिए असेंबल नहीं होता, क्योंकि दोस्तों उसमें सारी चीज़ जितनी खास रहती है और जितनी दोस्तों की हार्ड डिस्क वगैरह रैम रहती है वो सारी चीज़ एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है। वैसी चीज़ कहाँ लेके आओगे? आपको दोस्तों रैम के लिए अलग मार्केट जाना पड़ेगा, मदरबोर्ड के लिए अलग मार्केट जाना पड़ेगा, और दोस्तों मेन बात उसमें कैबिलिटी नहीं है, जिसके दोस्तों आप अपनी जितनी भी आपकी सारी चीज़ें दोस्तों वो आप लगा सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, अगर आपको ये मन में डाउट खत्म हो गया है हम अपने लैपटॉप को असेंबल क्यों नहीं कर सकते, ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको डाउट खत्म हो गया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी जल्दी से तो वीडियो को लाइक करिए, नए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया जल्दी दोस्तों मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, सोल पर है MGT, ये दोस्तों मेरा जीवन में आप दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँ, हम आप जानकारी बताऊँगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।